अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज इस लाइव स्ट्रीम का दूसरा सेशन है और आज का हमारा मौजू, जिस तरह के आपको बताया गया था, हमने ब्रोशर शेयर किए थे, हमारी पोस्ट जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर होती रही, कि आज की हमारी डिस्कशन का मौजू साइबर क्राइम्स और उनके सोल्यूशन से रिलेटेड है। और पाकिस्तान में चूँकि इसका अब बकायदा कानून भी मौजूद है, 2016 से ऑनवर्ड जो है वो पीका पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट है, तो उसी सिलसिला में हमने अपने एक्सपर्ट वकील साहब को दावत दी है आज के हमारे इस सेशन के मेहमान खसूसी जनाब फ़खर हयात अस्सलाम एडवोकेट हाई वालेकुम। कोर्ट साहब हैं, कैसे? और आप साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं और इसी से रिलेटेड आप केसेस को डील करते हैं। तो बिला तख़ीर मैं आपको दावत देता हूं और उसके बाद हम सवालों जवाबात का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। कुछ सवाल जो है वो हमें ऑडियंस ने दिए थे और कुछ सवाल जो हैं वो आप लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको लाइव स्ट्रीम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ज़रिए ज्वाइन करके आप अपनी क्यूरीज जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि आप उनका जवाब जो है वो आपको लाइव दिया जाए। तो मैं सर फ़ख्र हयात साहब को दावत देता हूँ कि वो आए जी, आज की ये अस्सलाम आज की वालेकुम। डिस्कशन। सलाम सर, कैसे अस्सलाम आप? सर, कैसे हैं आप? खैरियत जी, अल्लाह शुक्र, आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह हूँ सर, मैं और ठीक बहुत हूँ बहुत और शुक्रिया बहुत सर बहुत शुक्रिया सर आपने अपने आपने कीमती अपने टाइम आपने नवाजा टाइम नवाजा और आज की इस आज प्रोडक्टिव की इस प्रोडक्टिव डिस्कशन का हिस्सा बने। डिस्कशन का हिस्सा बने। तो मोस्ट वेलकम। आप भी आप हमें ज्वाइन कर भी हमें सकते हैं ज्वाइन कर हमारे सकते हैं इस लाइव इस स्ट्रीम पे। लाइव स्ट्रीम पे। सर, सर आपकी मेरी आवाज़ मेरी मुझे आवाज मुझे रिपीट हो रही जी है? रिपीट हो बिल्कुल, रही है? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। मुझे एक्चुअली सर मुझे एक्चुअली सर वो क्यूरी आवाज मुझे भी मुश्किल हो रही मुझे है, मुश्किल हो रही है। ज़रा वॉल्यूम अगर जरा कम हो वॉल्यूम जाए। अगर कम हो जाए। जी, वॉल्यूम अगर अगर आप हैंड फ्री आप यूज़ हैंड करते हैं फ्री तो यूज उसका ठीक रहेगा। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्लियरली पहुंच रही है जी जी सर, आपकी जी आवाज़ सर, आ रही है आपकी आवाज आ रही है, मगर वो मगर मेरी आवाज़ वो भी मेरी मुझे आवाज नहीं भी। आ रही। जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर है। चले 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 जी, आज के चले जी, सेशन का आज के सेशन का बकायदा आगाज बताया करते हैं आगाज करते हैं, और जो और पहला जो क्वेश्चन है जो पहला हमें क्वेश्चन है ऑडियंस जो ने हमें पूछा था ऑडियंस ने पूछा था, उसी से ही उसी स्टार्ट से ही करते हैं स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का जो पहला हमारा आज क्वेश्चन का पहला साइबर क्वेश्चन। क्राइम साइबर में कौन क्राइम कौन में से कौन कौन से हैं? एजेंट हैं? जी सर जी जी सर। सर अच्छा, सवाल ये है कि साइबर क्राइम में कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं? साइबर क्राइम्स का जो लॉ है पाकिस्तान में, ये 2016 में डेवलप हुआ है पीका के नाम से, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। अब इसके ऊपर चूंकि ये एक न्यू लॉ, विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ऑफेंसेस थे वो थ्रू सोशल मीडिया होने लगे, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स होने लगे। तो इसके ऊपर ये चूंकि एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर अभी ये लॉ है, तो इसके ऊपर 2016 में पीका जो है ऑफेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंस से रिलेटेड है, ये हमारी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने इसको, इस एक्ट को पास किया है। और इसके मुताबिक तमाम वो ऑफेंसेस जहां पर इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, वो तमाम ऑफेंसेस साइबर क्राइम्स हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम को जहां पे इस्तेमाल करके कोई ऑफेंस किया जाता है, ठीक है। पीका के अंदर जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है वहां पे डेफिनेशंस बताई गई हैं, और उस पूरे एक्ट का क्रक्स जो अगर हम बोलें कि वो कौन सा लफज है जिसके ऊपर पूरे का पूरा हमारा पीका का एक्ट जो है वो कर रहा है फॉलो, तो हम उसको देखते हैं कि वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया डिफरेंट जजमेंट्स के अंदर, तो वहां पे बताया गया है कि कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक या मॉडर्न डिवाइस, ठीक है, जो कि जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं या जिसको आप कंप्यूटर कह सकते हैं या कंप्यूटर से इंटरलिंक्ड कोई भी ऐसी डिवाइस है, तो उस डिवाइस को इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम दिया गया। अब उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब आप एक्सपेंड करके देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस,
कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी एफआई इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया, वो तमाम डिवाइसेस उनके थ्रू अगर क्राइम किए जाएंगे तो वो साइबर क्राइम्स में आएंगे। आज के मॉडर्न दौर में इसका स्कोप जो है बहुत वसी है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम स्पेशली थोड़ा सा इसको क्लोज करें तो जो आपकी सोशल मीडिया फेमस डिवाइसेस हैं, फेमस एप्लीकेशंस हैं, जिसमें आपका फेसबुक आता है, व्हाट्सएप, ट्विटर, स्नैपचैट, जितनी इस तरह की सोशल मीडिया एप्स हैं जिनके ऊपर मिलियंस बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो उनको इस्तेमाल करके आज के दौर में अगर कोई भी अक्यूज्ड किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी कर रहा है तो वो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। वो तमाम ऑफेंसेस जो इन डिवाइसेस के ऊपर हो रहे हैं वो सारे साइबर क्राइम्स हैं। जी शाह साहब, मेरी आवाज क्लियर नहीं है सर? आपकी आवाज, आपकी आवाज है, जो आवाज है ना वो रिपीट हो गया। मेरी आवाज रिपीट हो गया आ रही है? मेरी आवाज अच्छा, आपने स्पीकर ओपन किया हुआ, देख लेते हैं इस पे। वैसे अगर चल रहा है काम तो चूंकि उसमें फिर वो डिस्टॉर्शन आ जाएगी हैंड फ्री। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा जी जाना कि साइबर क्राइम्स क्या होता है, तो इसके मुतालिक तो आप कमेंट सेक्शन में अगर आप सकते हैं, सुभानी साहब कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सुभानी साहब गलबन, अभी मेरी आवाज हो गई होगी जी। शाह साहब आपने क्या सवाल पूछा है अभी? सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? जी अच्छा, ऐसा है कि अगर किसी ऑडियंस को हमारे जो हमारी आवाज में अगर कोई डिस्टॉर्शन हो रही है, या अगर सपोज दैट हम अपनी डिस्कशन कर रहे हैं और वो ड्यूरिंग द डिस्कशन या डिस्कशन बाद हमसे कुछ पूछना चाहता है, तो हमारा नंबर जो है व्हाट्सएप का वो अवेलेबल है सबके पास। वो शाह साहब आप भी जो है ऑडियंस को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो आपके साथ रब्ता कर सकते हैं या मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो वो व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है सबको आप नोट करवा सकते हैं जी। बिल्कुल, वो मैं लिंक में पिन कर दूंगा जी। जी व्हाट्सएप नंबर भी पिन कर दूंगा, और सर का जो यूट्यूब चैनल है उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कल के अगर कोई आपके क्वेरी फॉर्म है उनके लिए वो हम आपके सर जो है वो लेक्चरर भी है और एक्सपर्ट लॉयर भी है। आपके अपना यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे जाके आप सोल्यूशन ले सकते हैं और सबसे रब्ता कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं पिन कर दूंगा। यहाँ तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो इंटरनेट पे पब्लिश करता है, और उसके खिलाफ दरख्वास्त कैसे दी? जी शाह साहब, आपका सवाल यह है कि अगर कोई डाटा किसी भी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिश किया जाता है, तो उसका आप देखना चाह रहे हैं कि साइबर लॉ उसके बारे में क्या कहता है, यही सवाल है आपका जी? जी बिल्कुल सर। अच्छा, अब जहां तक जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका की बात है, तो साइबर लॉ इसके ऊपर बहुत क्लियर है कि किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन सोशल मीडिया की ऐप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जितनी भी सोशल मीडिया की एप्स हैं, अगर वहां पर किसी भी किस्म का कोई ऐसा डाटा कोई पर्सन जो है वो अपलोड कर देता है जो कि ऑब्जेक्शनेबल डाटा जिसको आप कह सकते हैं, उसके ऊपर किसी पर्सन को एतराज हो सकता है, या वो डाटा किसी पर्सन की जो मोडेस्टी है या उसकी जो इज्जत है उसको मजरू कर सकता है, तो वो डाटा जो है वो एक उस किस्म के डाटे को एक्सेस करना एक सेपरेट ऑफेंस है और अपलोड करना एक सेपरेट ऑफेंस है, और एक्सेस की सेपरेट सजा है, और जो है आपके पीका ने वह बताया कि साइबर लॉ के तहत उसको अपलोड करने की सेपरेट सजा है एक्सेस में। अब यहाँ पे इसके ऊपर शाह जी पीका का सेक्शन 3 और 4 बहुत क्लियर है,
जहां पर बात की गई है अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा एंड अनऑथोराइज्ड ट्रांसमिशन टू डेटा। ठीक है, तो सेक्शन तीन में यह बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी डिवाइस के ऊपर या किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से किसी पर्सन के डेटा तक इलीगल एक्सेस हासिल कर लेता है तो यह एक ऑफेंस है, और अगर उस डेटा को अपलोड भी कर देता है तो यह उसने एक अदर ऑफेंस कर दिया है। अब लॉ के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको जो है किसी किस्म की माफी मिलनी चाहिए। साइबर लॉ ने इसको बहुत क्लियरली बताया कि इसकी जो सजा है वो लॉ के अंदर 2 से 5 साल तक सजा है और 50 लाख तक शायद इसके ऊपर जुर्माना है। और इसकी कंप्लेन आपने कैसे करनी, आज के दौर में इसकी कंप्लेंट्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, और इसको साइबर क्राइम की जो हमारी एजेंसी है FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको डील कर रही है। अगर किसी भी कंप्लेनेंट को ये उसके पास कोई कंप्लेंट है वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहता है कि जी मेरी एक ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर जो है मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी ने फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर स्नैपचैट किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर बगैर मेरी इजाजत के मेरी पिक्चर अपलोड की है या उस पिक्चर का टिकटॉक बनाया है या एनी अदर एक्टिविटी की है, तो वो रिटर्न फॉर्म में एक एप्लीकेशन लिख के साइबर क्राइम एजेंसी अपने इलाका का जो उनके रेलेवेंट, सपोज दैट एक मिस्टर असलम जो है वो फैसलाबाद के रहायशी हैं, तो वो डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम सर्कल फैसलाबाद जो है जाके अपनी एक रिटर्न फॉर्म में एप्लीकेशन लेके FIA में सबमिट करवा सकते हैं। तो FIA जो है उसको मजीद इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करके FIA जो है चलान भेज देगी अदालत को, अदालत उस पर अमल दरामद करवा के ट्रायल करके अक्यूज को सजा देगी। साइबर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है अमेरिका के अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, जिसको आप सादा अल्फाज में ऑडियंस की आसानी के लिए हम उसको साइबर लॉ कह सकते हैं। ठीक है, तो ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि अगर साइबर किसी किस्म की साइबर इलीगल एक्टिविटी हुई है या साइबर ऑफेंस हुआ है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या तरीकेकार है, हम पंजाब पुलिस के पास जाएंगे या फिर हम FIA के पास जाएंगे। तो इसमें आपने पंजाब पुलिस के पास नहीं जाना, पंजाब पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि पंजाब पुलिस साइबर लॉज को इन्वेस्टिगेट करे, पंजाब पुलिस साइबर लॉज को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो साइबर लॉज के अंदर पीका के अंदर यह बात क्लियर है कि इस साइबर जितने ऑफेंसेस हैं साइबर के साइबर क्राइम्स जो है इनको सिर्फ और सिर्फ FIA जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही इन्वेस्टिगेट करेगी। और उसका प्रोसीजर यह है कि सबसे पहले जब कोई भी कंप्लेनेंट अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाता है तो वो एक प्री जो है आपकी इंक्वायरी कर लेते हैं कि आपकी कंप्लेंट के अंदर कोई सच्चाई भी है या नहीं। तो काफी सारे ऐसे भी होते हैं लोग जो झूठी एप्लीकेशन उठा के ले आते हैं किसी पर्सन को खा मखा तंग करने के लिए, तो सबसे पहले जो आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं वो आपकी अपनी एप्लीकेशन को देखते हैं कि जो हमारे पास साइल आया है, जो कंप्लेनेंट आया है, मुदई पार्टी जो आई है, इनकी एप्लीकेशन में क्या सच्चाई है। ठीक है, तो उसमें जब अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस है और वो ऑफेंस रियली कमिटेड हुआ है, जो ऑफेंस आप एप्लीकेशन में लिख के लेके आए हैं अगर रियली कमिट हुआ है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, उसके ऊपर आपको एक इंक्वायरी नंबर अलॉट कर दिया जाता है, जिस तरह से FIR का नंबर होता है, तो वो इंक्वायरी नंबर अलॉट कर देंगे तो फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब चूंकि FIA एक स्पेशल एजेंसी है और साइबर भी एक स्पेशल लॉ है, तो इसके ऊपर जो है एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है FIA को जो डील करती है, जो साइबर क्राइम्स का ट्रायल करती है। तो इनका जो तरीकाकार इन्वेस्टिगेशन का है वो पंजाब पुलिस से टोटली डिफरेंट है। पंजाब पुलिस में जो है ये इंस्ट्रक्शंस हैं CRPC के अंदर कि इसका जो चलान है वो 14 दिन के अंदर पेश किया जाए, जो ताजीरात पाकिस्तान के ऑफेंसेस हैं। लेकिन यहां पर इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी रूल्स 2018 में यह बात क्लियर है कि इनका जो पीरियड है इन्वेस्टिगेशन का वो मैक्सिमम 2 से 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। FIR से पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसमें मजीद 30 डेज, फिर 90 डेज, फिर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स और फिर 6 मंथ की एक्सटेंशन हो सकती है। ये 2018 के रूल्स हैं। अब यहां पर जो हमारे पास केसेस आते हैं तो मैक्सिमम हमारे क्लाइंट्स को भी जो है ये शिकायत होती है कि जी 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, FIA एजेंसी ने हमारी तक अभी तक तो हमारी FIR ही नहीं दी, अभी तक तो हमारी 2 साल हो गए, हमारी एप्लीकेशन FIR जो है हमारी एप्लीकेशन ही FIA के पास पड़ी और FIA ने अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है,
इस किस्म की शिकायत है लोगों को, उसकी रीजन ये है कि एफआईए का जो इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी रूल्स हैं 2018 में, उसमें बड़ी गुंजाइश रखी गई है कि आप जो है फॉर द पर्पस ऑफ साइबर इन्वेस्टिगेशन आप किसी भी किस्म का डाटा जो है डाटा आपने एक्सेस करना है, सपोज दैट आपने पीटीए से डाटा लेना है वो आपको थ्रू कोर्ट अप्रूव करवाना पड़ेगा, आपने किसी बैंक से डाटा लेना है, आपने मोबलिंग से डाटा लेना है, ठीक है, तो इस तरह के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटाज हैं वो एक्सेस करने पड़ते हैं और वो टाइम डिलेइंग प्रोसीजर है तो उसमें जो है टाइम लग जाता है, इसलिए एफआईए की जो इन्वेस्टिगेशन है वो टाइम जो प्रोलॉन्ग हो जाती है, सम टाइम 2 से 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल तक भी लग जाते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और एफआईए की इन्वेस्टिगेशन को कंपैरिजन किया जाए तो एफआईए के पुलिस स्टेशन के अंदर इनकी अपनी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन लैब्स हैं जहां पर ये एफआईआर देने से पहले ही आपकी जो इंफॉर्मेशन है ऑफेंस रिलेटेड, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर जो है वो अपलोड की है तो उन पिक्चर के स्क्रीनशॉट जो है कंप्लेनेंट अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाता है, उसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एफआईए कर लेती है और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो एफआईआर दे देते हैं। तो जो बाद का टाइम होता है ट्रायल, इसमें ये है कि इन्वेस्टिगेशन का टाइम ज्यादा है, ट्रायल का टाइम बहुत शॉर्ट है। इसमें ट्रायल में शायद मैक्सिमम 6 मंथ में इसका ट्रायल हो जाता है, चूंकि इन्वेस्टिगेशन पहले ही टाइम टेकिंग है, टाइम ले चुकी होती है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर जो है ट्रायल जो है बिल्कुल आसानी के साथ शॉर्ट टर्म में ट्रायल हो जाता है इसका। और इसमें जो बेल की रेशियो अगर हम बात की जाए तो इसमें जी लोग अक्सर पूछते हैं कि जिसमें जमानत हो जाएगी, अक्यूज्ड साइड से लोग ये पूछते हैं कि जी मैंने ये ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर अपलोड की है तो मेरी जमानत हो जाएगी, तो वहां पे जो हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर जुडिशरी की जो जजमेंट्स हैं उन्होंने बड़ा सख्त स्टांस अपना दिया हुआ इसके ऊपर कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्लियर आ गई है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके वो पिक्चर अपलोड की गई थी तो वहां पे अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है, वहां पे फर्दर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। और चूंकि बेल का जो हम सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड जिसको हम समझते हैं कि हमारी बेल हो जाएगी फर्दर इंक्वायरी में, ठीक है, तो क्रिमिनल में भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ग्राउंड यही है कि जी ये मैटर जो है फर्दर इंक्वायरी में फॉल कर रहा है, तो जो स्पेशल कोर्ट्स एफआईए के जज हैं वो कहते हैं जी फर्दर इंक्वायरी की यहां पे जरूरत नहीं है, यहां पे इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक डाटा हमारे पास आ गया है कि फलां पर्सन के पर्सनल अकाउंट से यह डाटा अपलोड किया गया है तो इसमें फर्दर इंक्वायरी की जरूरत नहीं, इसलिए बेल जो है मोस्टली बेल डिसमिस हो जाती है। और इसमें सजा की जो रेशियो है वो भी पाकिस्तान में राउंड अबाउट 90% है कि इसमें सजाएं हो जाती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर अब यहाँ पे जी शाह जी, अब जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है इसके ऊपर शाह जी अपना मेडिकली, चूंकि ये एक मेडिकल का टॉपिक है फॉरेंसिक, ठीक है, अब अगर इसको हम देखा जाए तो फिर अगर जिस जैसे जैसे आईटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बूस्ट किया तो इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी फॉरेंसिक लॉज बन गए। अभी जो हमारी डिफरेंट साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं, फॉरेंसिक लैब्स जिनको नाम दिया गया, इसके ऊपर एक लॉ डेवलप हो चुका है, इनके ऊपर एक्ट और रूल्स रेगुलेशन आ चुके हैं अभी पाकिस्तान में, ठीक है, तो उसमें जो है अगर 2005 के रूल देखे जाए फॉरेंसिक लैब्स के तो उनके अंदर बड़ा क्लियरली बताया गया है कि अगर आपकी जो लेबोरेटरी की जो एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो उसके लवाजमात क्या हैं, ठीक है, वो जो एक गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसका सिग्नेचर होनी चाहिए उसके ऊपर, जो उसके ऊपर इसके अलावा जो जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, कौन से अपरेटस को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, वो तो शो नहीं करवाया जाता लेकिन उसकी एक अपनी ओपिनियन जो गवर्नमेंट का एनालिस्ट है या जो फॉरेंसिक लैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी एक अपनी ओपिनियन भी ऊपर होती है कि वो अपनी ओपिनियन भी दे कि हमने जब इस डाटा का, इस पिक्चर का, इस वीडियो का
हमने फोरेंसिक एनालिसिस किया तो उसके बाद हमें ये पता चला कि ये वीडियो जेन्युइन है, ये वीडियो एडिटेड नहीं है, ठीक है। अगर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं और उसके ऊपर बकायदा रिपोर्ट के ऊपर सिग्नेचर भी मौजूद है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के, फोरेंसिक जो गवर्नमेंट का एनालिस्ट है, तो फिर इस किस्म की रिपोर्ट के ऊपर आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि इस किस्म की रिपोर्ट के ऊपर रिलाय किया जाए और इस किस्म की रिपोर्ट्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इस तरह का अभी रिसेंटली 2023 में आपकी बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के दो अभी लेटेस्ट पिछले मंथ भी फैसले हुए हैं कि वहां पर देखा गया था कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल वाजिया थी अफेंस से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा जी ये जो ट्रायल कोर्ट ने सजा दी है ये ठीक है, इसी सजा को बरकरार रखा जाए, उनकी जो सजा का ऑर्डर था वो सेट असाइड नहीं हो सका। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, अगर कोई किसी से मोबाइल फोन मंगवाता है तो क्या ये साइबर क्राइम के जमरे में? शाह साहब आपका सवाल मुझे क्लियर नहीं हुआ। अगर कोई किसी से मोबाइल फोन धोखे से रकम मंगवाता, मोबाइल शॉप साइबर क्राइम के जमरे में? जी 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 बिल्कुल शाह साहब, पाकिस्तान में आज के पिछले आप 2-4 साल में देख लें तो इस किस्म के केसेस की भरमार है पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी का एक कंसेप्ट है आपके साइबर लॉ के अंदर, पीका के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर उन्होंने एक बिल्कुल एक सेपरेट सेक्शन करके उसको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड क्या है। तो अब कोई पर्सन देखें, अब जिस तरह से इजी पैसा है या जिस तरह से जैज कैश है, ये एक साइबर एक साइबर की एप्लीकेशन है, एक ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस किस्म की जो जैज कैश के ऊपर किसी से कोई धोखा करके पैसे मंगवा लेता है या इजी पैसा के ऊपर या किसी की जो आपके मोबाइल के अंदर जो आप अपने बैंक की एप्लीकेशन जो अपलोड की होती है, तो मिसाल के तौर पर अगर किसी पर्सन का मिजान बैंक के अंदर अकाउंट है और उसने अपने मोबाइल में मिजान बैंक की एप्लीकेशन अपलोड कर रखी है, इसी तरह से जैज कैश की एप्लीकेशन इजी पैसा की अगर कोई किसी से फ्रॉड करके इस तरह के पैसे मंगवाता है तो ये बिल्कुल एक अफेंस है जो सेक्शन 13 और 14 इसको डील करते हैं, पीका के इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के जमरे में ये आएगा और ये इसके ऊपर बिल्कुल ये साइबर लॉ क्लियर है और इसके ऊपर FIA एजेंसी जो है हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो इसके ऊपर काफी सारी जो एप्लीकेशन है वहां पर रिपोर्ट हो चुकी है और FIA के पास इस किस्म के केसेस हैं जहां पे जैज कैश के थ्रू पेमेंट निकलवाई गई, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड किया गया और उस पेमेंट का जो है आगे मिसयूज जब किया जाता है किसी अदर एक्टिविटी में, सपोज दैट किसी टेररिज्म की एक्टिविटी में वो पैसा इन्वॉल्व हो जाता है आगे जाके, तो वो एक थर्ड ऑफेंस बन जाता है जिसको आप साइबर टेररिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जितनी आपका जो सवाल था इसका स्कोप अभी पाकिस्तान में इसका स्कोप डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बहुत से लोगों के साथ अभी चूंकि साइबर लॉ अभी पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है, ये एवोल्यूशन अपने प्रोसेस में है, ठीक है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रॉड्स धोखे लोगों के साथ हो रहे हैं, अगर किसी पर्सन के साथ जैज कैश इजी पैसे की पेमेंट का फ्रॉड हो गया है तो बिल्कुल वो अपनी एप्लीकेशन जो है FIA को दे सकता है, FIA इस किस्म के केसेस को रिपोर्ट भी करती है और इन्वेस्टिगेशन भी करती है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। पहले की है अकाउंट ब्लॉक और उसमें ये आता है कि हमने पूरी हमने चेन को ब्लॉक कर दिया, जहां जहां पैसे मिल रहे हैं जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं उनके अकाउंट उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो अब एक बंदा जो है इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं है, एक अकाउंट है जो कारोबार कर रही है उसके अकाउंट में पैसे आए या कुछ उसके अकाउंट में पैसे डिफ्लेक्ट किए और ब्लॉक हो, तो फिर इसकी क्या रेमेडी है? जी बिल्कुल शाह जी, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। पाकिस्तान में अभी बहुत सारे, चूंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि साइबर लॉ पाकिस्तान में डेवलप नहीं है,
विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह से आईटी को बूस्ट आया, ये लॉ अभी डेवलप हो रहा है और जो अफेंडर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो मुलजम हैं वो ये समझते हैं हमारी स्पेशली नौजवान नस्ल इस किस्म के फ्रॉड्स में मुलव्वस है और जो है इस किस्म की इलीगल एक्टिविटीज में फंड्स इलीगल ट्रांसफर करना या किसी से धोखे से पैसे मंगवा लेने। तो वहां पर ये होता है कि जब कोई क्लाइंट, जिस तरह आपका ने अपने प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी के साथ जैज कैश का फ्रॉड हो जाए, एक पर्सन ने अपने बैंक अकाउंट से जो है जैज कैश में रकम सेंड की हो, ठीक है, और जब इन्वेस्टिगेशन में एफआईए जाती है, एफआईए जब इन्वेस्टिगेट करती है किसी ऑफेंस को, तो वो देखते हैं कि इसमें कितने लोगों का जो है बैंक अकाउंट इस्तेमाल हुआ है। अगर वो देखते हैं कि जी मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी का बैंक अकाउंट जो है इलीगल पर्पज के लिए इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो बेनिफिशियरी है या चाहे बेनिफिशियरी नहीं है, दोनों सूरतों में वो आपका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर देते हैं या फिर मुतलका जो ट्रांजैक्शन है उसको जो है वो रोक लेते हैं, उस ट्रांजैक्शन को वो फ्रीज कर देते हैं कि ये जो पेमेंट आपके अकाउंट में आ गई है 5 लाख रुपए, आप इस 5 लाख की ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो फ्रीज हो जाती है, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। या फिर अगर आपने वो पेमेंट विड्रॉ कर ली है किसी अक्यूज ने, तो फिर वो जो है पूरे का पूरा बैंक अकाउंट जो है उस पर्सन का फ्रीज कर देते हैं। इस अब ये अक्यूज अपना जो है अक्यूज को पता तब चलता है जब उसका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुका होता है। पहले तो वो बड़ी खुशफहमी में होता है जी मैंने लोगों के साथ फ्रॉड कर लिया है और मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है, और जो बंदा था वो बड़ा भोला भाला बंदा था, मैंने उससे पैसे हथिया लिए हैं, वो मेरा क्या कर सकता है। तो अगर वो बंदा एफआईए के पास जाए, प्रॉपर अपनी एप्लीकेशन वगैरह दे, तो जब मैटर इन्वेस्टिगेट होता है तो फिर आपने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर बताना होता है कि मेरे साथ फलां बंदे ने फ्रॉड किया और ये उसका बैंक अकाउंट है, ये उसका सीएनआईसी नंबर है, ठीक है। तो फिर आपकी एप्लीकेशन जिस दिन एफआईए वाले रिसीव करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई पर्सन जो है 1 नवंबर को एफआईए में एप्लीकेशन देने गया है, 1 नवंबर को उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी और उन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी नंबर लगा दिया है, तो एफआईए के जो इन्वेस्टिगेशन रूल्स, इंक्वायरी रूल्स हैं, उनके मुताबिक वो विद इन 1 वीक आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो मुतलका बैंक के हेड ऑफिस को ईमेल करते हैं, ठीक है, कि आपका ये जो मिस्टर असलम का बैंक अकाउंट है ये इलीगल ट्रांजेक्शन, इलीगल फंड, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में ये एचबीएल के मिस्टर असलम का जो अकाउंट है उसको जो है इसका रॉन्ग यूज किया गया है, तो इस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दें या इसके पूरे के पूरे बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दें। तो एफआईए जो है ये एक ईमेल करके किसी भी अक्यूज पर्सन के बैंक अकाउंट के हेड ऑफिस ईमेल करके किसी भी ब्रांच, पूरे पाकिस्तान की ब्रांच में वो अक्यूज का बैंक अकाउंट ब्लॉक करवा देते हैं। अब इसकी रेमेडी ये है कि जब किसी पर्सन को पता चले कि मेरा बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया, मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, या मेरी एक जो ट्रांजैक्शन है 2 लाख की 5 लाख की 10 लाख की 2 करोड़ की 10 करोड़ की वो मेरी ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो गई है, मैं अपनी अमाउंट जो है वो विदड्रॉ करवाने गया हूं तो मेरी अमाउंट विदड्रॉ नहीं हो रही, तो वहां पर फिर जो है आपको जब आप बैंक जाते हैं तो आपको पता चलता है जी आपका जो अकाउंट है वो एफआईए ने ब्लॉक कर दिया है। फिर आप एफआईए के किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन में जाके अपना सीएनआईसी नंबर उनको बता सकते हैं कि जी ये मेरा सीएनआईसी नंबर है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, तो काइंडली मुझे बता देंगे मेरा बैंक अकाउंट जो है किस वजह से फ्रीज किया गया है, कौन सी एप्लीकेशन मेरे अगेंस्ट है, या फिर वो सम टाइम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में स्टेट बैंक और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है। यहां पर अब अक्सर ऐसा भी हो जाता है कुछ लोग जब पता करवाने जाते हैं बैंक के अंदर कि मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक क्यों हुआ, तो उनको बताया जाता है कि किसी मुदई ने आपके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दी, लेकिन आपकी ये जो एप्लीकेशन, जो आपकी ये ट्रांजैक्शन है 2 लाख की 10 लाख की, ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। अगर आपका पिछले 5 साल के बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड देखा जाए तो अचानक 10 लाख, अचानक 2 करोड़, अचानक 4 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया, अभी आपके बैंक अकाउंट में इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है, ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है। और अगर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन प्रूफ हो जाए कि ये डाटा जो है इलीगल मेथड से आया है, इलीगल फंड है और किसी इलीगल एक्टिविटी में जो है वो इस्तेमाल होने जा रहा है, तो वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है। अब वो साइबर टेररिज्म में भी इस्तेमाल हो सकता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है, तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के ऊपर भी जो है वो जो एफ आई ए का मनी लॉन्ड्रिंग विंग है वो आपके बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। तो आपने एफ आई ए के सेंटर जाना है,
जी सर, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज, आपकी स्क्रीन स्टिल हो गई है। जी शशब, इंटरनेट आई थिंक इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी तो मैं ये बता रहा था कि जब भी कोई एक्यूज पर्सन या कोई भी ऐसा पर्सन जिसका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, वो अपना आईडी कार्ड लेकर अपने बैंक अकाउंट का कोई बैंक अकाउंट का नंबर लिख ले अपने पास, एफआईए के पास चला जाए, उनको बताए कि मेरा ये बैंक अकाउंट है फलां ब्रांच के अंदर है, ये ब्लॉक हो गया, काइंडली मुझे बता दें कि मेरे अगेंस्ट क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एफआईए उनका जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो आपको बता देंगे कि जी आपके खिलाफ फलां इंक्वायरी नंबर है, या तो किसी पर्सन ने दी हुई है या फिर जो आपका स्टेट बैंक या फेडरल गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक किया गया है, ये आपका इंक्वायरी नंबर है, फलां दिन आके आप अपनी इंक्वायरी करवाएं और अपनी जस्टिफिकेशन के लिए आप अपने सारे प्रूफ ले आए कि ये आपके पैसे कहां से आए थे, कहां आप इसको इस्तेमाल करने जा रहे थे, तो उसकी पूरी जब आप जस्टिफिकेशन दे देते हैं तो फिर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर इंक्वायरी अगर एफआईए को आपने ये साबित कर दिया कि मेरा पैसा किसी जगह पे गलत इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही मैंने किसी इलीगल सोर्स से मंगवाया है, ठीक है, अब हवाला हुंडी के जो केसेस हैं वो भी सारे एफआईए इन्वेस्टिगेट करती है, तो अगर इस तरह से इलीगल मेथड से पेमेंट आई है हवाला हुंडी से तो वो भी ट्रांजेक्शन ब्लॉक हो जाएगी, वो अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर आप साबित कर देते हैं कि मैं इलीगल तरीके से मैंने पैसे नहीं मंगवाए या जो मेरी ट्रांजेक्शन है वो सस्पिशियस नहीं है और ये पैसा मैं किसी गलत जगह इस्तेमाल नहीं करने जा रहा, तो वो फिर आपका जो ऑर्डर पास कर देते हैं कि इसका जो बैंक अकाउंट है इसको ओपन कर दिया जाए। वो फिर उसी तरह से एचबीएल हेड ऑफिस जो है किसी बैंक के अंदर हेड ऑफिस मेल करेंगे, हेड ऑफिस फिर अलाउ करेगा मुतलका ब्रांच को, फिर मुतलका ब्रांच उसको क्या करेगी, ओपन कर देगी उस अकाउंट को। ये तरीकेकार है जी। और अगर ये साबित हो गया, आप साबित ना कर सके कि ये लीगल ट्रांजेक्शन थी और ये साबित हो गया कि जनाब ये लीगल ट्रांजेक्शन थी, फिर उसका जो चलान बना के वो कोर्ट भेज दिया जाएगा और अदालत ट्रायल के प्रोसेस से गुजार के मुल्जिम को सजा दे देगी। सर इसमें जी बिल्कुल हो सकती है, चूंकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जहां पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, साइबर क्राइम के जो एक मैं पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहता हूं कि एज कंपेयर टू पाकिस्तान पिनल कोड, एज कंपेयर टू ताजिरात पाकिस्तान, साइबर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। साइबर लॉ के अंदर जो सजाएं मेंशन की गई हैं या साइबर लॉज के अंदर जो जुर्माने आयद किए गए हैं पीपीसी में, इतने हाई लेवल का कोई भी जुर्माना नहीं है अदर ऑफेंसेस में। अब यहां पे 5-5 करोड़ तक जो है फाइन जो है या जुर्माना आयद किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के ऊपर, साइबर टेररिज्म के ऊपर, अगर कोई इस तरह की पेमेंट आई है और वो साइबर टेररिज्म यूज हो रही है उसकी 7 से 14 साल तक सजा है और 5-5 करोड़ जुर्माने हैं, ठीक है। इस तरह से जिस तरह से पिक्चर अपलोड करने का जुर्माना जो है वो 50 लाख रखा गया। तो एज कंपेयर टू पीपीसी जो साइबर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है इसके ऊपर, और अदालतों का जो स्टांस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट हैं कि इस किस्म के जो मुलजम हैं इनको बिल्कुल किसी किस्म का कोई रिलीफ ना दिया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है हमारा ये, चूंकि सर इसका जवाब दे, ये हमारा क्वेश्चन है जवाब ऑलरेडी पब्लिक की तरफ जो सवालात पब्लिक की तरफ से आ रहे हैं वो भी आप जो है बयान करते जाएं। जी जी सर, मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूं। अभी तो लोगों ने हमें ज्वाइन किया। जी ठीक, आप इनका जो है कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर मॉडर्न डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, तो वो तो आ जाएंगे सारे साइबर के अंदर। लेकिन आपका जो सवाल है उसका स्कोप बहुत वसी है कि एफआईए कौन कौन से मुकदमात में कार्रवाई कर सकती है। जी जी, तो इसके ऊपर जो है एफआईए के 13 विंग हैं शाजी, 13 विंग्स हैं एफआईए के, जिनके ऊपर एफआईए इन्वेस्टिगेशन की ज्यूरिस्डिक्शन रखती है, ठीक है। उसमें इमिग्रेशन विंग सेपरेट है, उसमें टेररिज्म का विंग सेपरेट है, करप्शन का विंग सेपरेट है, इस तरह से
जो है और भी डिफरेंट किस्म के एक पूरी एक लिस्ट है जिनके ऊपर एफआईए जो है वो सोल जो है इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है और कंकरेंट ज्यूरिस्डिक्शन भी साथ रखी गई है कुछ पीपीसी के ऑफेंसेस के साथ कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो जिनकी कंकरेंट ज्यूरिस्डिक्शन है कि इनमें एफआईए भी कर सकती है और पंजाब पुलिस भी कर सकती है। ठीक है, तो जिस तरह से अब इमिग्रेशन है ये इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है सिर्फ एफआईए करेगी, साइबर के जितने क्राइम्स हैं इसकी सिर्फ एफआईए करेगी। तो इस किस्म इस तरह से एफआईए के टोटल 13 विंग्स हैं जिनमें वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो एफआईए की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, कोई भी देख सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफआईए जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी रूल्स हैं और पीका की एक्सप्लेनेशन जहां पे की गई है वहां पे ये बात की गई है कि अगर किसी पर्सन ने फेसबुक के ऊपर या किसी भी अदर सोशल मीडिया के एप्स के ऊपर किसी पर्सन की ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर या ऑब्जेक्शन एबल वीडियोस जो है वो अपलोड की हैं, तो वो पर्सन जो है अपनी कंप्लेंट एफआईए को विद प्रूफ जो है विद स्क्रीनशॉट्स अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकता है, रिटन फॉर्म एप्लीकेशन दे, एफआईए उसको इन्वेस्टिगेट करती है और फिर एफआईए मुतलका जो है पीटीए जो अथॉरिटी है या जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसकी साथ जो कोलेबोरेशन के साथ डिफरेंट पाकिस्तान के इदारे हैं, जिस तरह से अब पीटीए जो है या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वहां पर हमने डिफरेंट कंट्रीज के साथ ये अपनी फॉरेन पॉलिसी तय कर रखी है। अब मिसाल के तौर पे जो फेसबुक है ये अब आउट ऑफ कंट्री की एप्लीकेशन है, हमारे पास तो इसका सर्वर नहीं है ना जी, ये तो इसका सर्वर तो जो है आउट ऑफ कंट्री में है, जहां जिस कंट्री की ये अमेरिका कनाडा जहां पे भी कोई एप्लीकेशन फॉल कर दिया, कोई अमेरिका से है, कोई फ्रांस, कोई रशिया, कोई जर्मनी, कोई चाइना की भी काफी सारी एप्लीकेशन है। तो हमारी जो एजेंसी है वो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ जितनी बैनुल अक्वामी एजेंसीज हैं उनके साथ राबते में है और वो उनको एक एप्लीकेशन ईमेल सेंड कर देते हैं कि ये वाला जो स्पेसिफिक डाटा है इस अकाउंट के ऊपर एक ईमेल आ गई है या एक वीडियो अपलोड की कर दी गई है, उस वीडियो को वहां से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, अब फेसबुक की जो 100% एक्सेस है वो तो आपकी एफआईए के पास भी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने जो है मुतलका इदारे को मुतलका अथॉरिटी को ईमेल करना होती है, तो जिन अथॉरिटीज के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक है, हमारे मामला ठीक है, तो अगर उस तरह की कोई एप्लीकेशन है तो उसमें से काफी सारे डेटा डिलीट हुए। अब जिस तरह से अगर आप फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में से इसके ऊपर अथॉरिटीज भी हैं और इसके ऊपर कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी हैं, एफआईए ने काफी सारे फेसबुक अकाउंट से वीडियो डिलीट करवाई हैं। अब जिस तरह ये तो वो एप्लीकेशन है ना जो फेमस एप्लीकेशन है जिस तरह से फेसबुक का व्हाट्सएप, अब कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनका जो है अभी तक न्यू आई है मार्केट में और चंद महीनों में ग्रो कर गई है। ठीक है, उन कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनका रिकॉर्ड या जिनकी एक्सेस या जिनकी कोऑर्डिनेशन जो है इंटरनेशनल तौर पर एफआईए के साथ अभी तक नहीं है, तो उन एप्लीकेशन से वो वीडियो रिमूव नहीं की जा सकती और जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है उन एप्लीकेशन से हम जो है वीडियो एफआईए रिमूव करवा रही है और फेसबुक से स्पेशली हुई है रिमूव। सर यहाँ पे इसी बात पे आ गया, आप मैसेज करके डिलीट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। तो क्या एक बंदा शेयर करता है वो साथ डिलीट कर तो क्या वो ऑफेंस जो है वो मेड आउट होता है? बिल्कुल सही है, जब एक डेटे को ऑब्जेक्शनेबल डेटे को कोई ऐसी पिक्चर जिसके ऊपर किसी थर्ड पर्सन को एतराज है या किसी थर्ड पर्सन की जो इज्जत नफ्स है उसको टारगेट किया गया है, अगर वो एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड होती है किसी एक पर्सन ने भी अगर देखी है तो उसको चाहे बाद में रिमूव कर दिया जाए, ऑफेंस तो कमिट हो चुका है। बिल्कुल सही, लेकिन जब आप उसकी एफआईए के पास जब आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे, कंप्लेंट लेकर जाएंगे, तो आपके पास उस एप्लीकेशन के ऊपर जो डाटा अपलोड हुआ है उसके स्क्रीनशॉट्स आपके पास होने चाहिए। अगर उस स्क्रीनशॉट के ऊपर डाटा नजर नहीं आ रहा तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम है।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी वो जो मैसेज आता है मैसेज डिलीटेड या अनसेंट, या अनसेंट वो जी जी वो आना चाहिए। नहीं, मैं बताता हूं। अगर अगर सपोज दैट अगर जब आपने मैसेज देखा तो वो मैसेज डिलीट हो चुका था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आपने जब देखा वो डिलीट हो चुका था, अब आपके पास प्रूफ नहीं है कि उस मैसेज में क्या था, कंटेंट क्या था। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। अगर अगर किसी एक पर्सन के पास भी ये प्रूफ है, बाकी ग्रुप मेंबर से पूछ लें, हो सकता है किसी ने उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया हो अर्जेंट, हो सकता है किसी ने उसको फॉरवर्ड कर लिया हो किसी अदर नंबर के पास। अगर आपके पास कुछ सॉलिड प्रूफ है तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज आप जो है ब्लाइंड डाटा के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। अफेंस तो कमिट हुआ है, ठीक है, जब अपलोड हो गई पिक्चर तो अफेंस तो कमिट हो गया, लेकिन अब ऑफेंस को प्रूफ करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेशन में लेके आने के लिए, ट्रायल में लेके आने के लिए कि उसको, आपको एक सॉलिड एविडेंस की जरूरत है। अगर वहां पर जस्ट यही लिखा आ रहा है जी डिलीट हो गया, हमें नहीं पता कि उसमें क्या लिखा था, उसमें एबीसी लिखी थी या कोई पिक्चर थी, हमें नहीं पता, ठीक है, तो जब उसमें रियलिटी नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा, तो फिर जो है इन्वेस्टिगेशन, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के चांसेस बिल्कुल कम है। लेकिन अगर ग्रुप के 200 मेंबर्स हैं, किसी एक मेंबर ने भी उसको डाटा को सेव कर लिया है, तो आप उससे डाटा मंगवा सकते हैं कि ये देखें ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे पिक्चर अपलोड की गई थी, फलां पर्सन ने सेव कर लिया, चूंकि रेलेवेंसी बन जाती है और कानून शहादत के अंदर ये इसका स्कोप बहुत वसी है। कोई भी ऐसा फैक्ट जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑफेंस से रिलेटेड कमिटेड किया गया, उससे रिलेटेड है, तो आप उसको रेलेवेंसी के तौर पर कानून शहादत में ये आपको रास्ता दे दिया है कि रेलेवेंट डाटा जो है उसको भी आप जो है साथ अटैच कर सकते हैं और उसको आप अपने एविडेंस का हिस्सा बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर कोई किसी लड़के के पास किसी लड़की की हो तो कैसे वापस ली जा सकती है। ये भी आपके क्वेश्चन की आगे तईद है, ये इसका जवाब आपने किसी अर्थन दे दी। तो एक दफा वो ऑडियंस वो कैसे अगर एक लड़की अगर किसी फीमेल की पिक्चर्स जो हैं या उसकी कोई वीडियो जो है उसने खुद सेंड कर दी है या किसी भी तरीके से किसी थर्ड पर्सन के मोबाइल में या उसके व्हाट्सएप में पहुंच गई है, तो आप जो है डायरेक्टली अगर उससे कह सकते हैं कि जी एक रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं जी मेरी पिक्चर डिलीट कर दें, अगर वो पर्सन सपोज दैट पिक्चर डिलीट नहीं कर रहा, तो फिर आप जो है मुतलका एजेंसी को एफआईए को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरी पिक्चर जो है वो मिसटेकनली सेंड हो गई है या जो मेरी पिक्चर्स हैं वो मुझे पता नहीं चला, मेरा मोबाइल हैक हो गया था और मोबाइल हैक होने से मेरी पिक्चर जो है वो ट्रांसफर हो चुकी हैं, ठीक है, तो मुतलका पर्सन को बुला के उसको कह दिया जाए, उसको ऑर्डर दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि जी वो मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दे, ठीक है, आप उसके ऊपर एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी वो मेरे डाटा का रॉन्ग यूज करना चाहता है, इलीगल एक्सेस करना चाहता है मेरे डाटा को और मुझे खतरा है कि मेरे डाटा को इलीगली तौर पे वो किसी जगह पे पब्लिश कर देगा, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर काफी सारे चूंकि शरीफ लोग हैं, स्पेशली अगर हम फीमेल्स की बात करें, ये चूंकि ये जो सवाल है ये फीमेल से रिलेटेड है और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ये फील करते हैं कि हम अपनी खवातीन का नाम पुलिस स्टेशन में क्यों लेके जाएं, या हम एक मजहबी घराना है, हम नहीं चाहते कि हम पुलिस स्टेशनों में जाएं, वहां पे एप्लीकेशन दें, हमारी औरतों के नाम जो है वो फाइलों के अंदर आए, इसके ऊपर लोग जो है वो बड़े परेशानी का सामना है लोगों को। तो अगर कोई नहीं जाना चाहता तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन कानून आपको एक जो रिलीफ देता है, कानून आपको ये प्रोटेक्शन देता है कि आप एफआईए के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा मोबाइल हैक हो गया था, मेरा डाटा जो है वो ट्रांसफर किया जा चुका है, अब मुझे परेशानी है कि कल को मेरा डाटा अपलोड कर दिया जाएगा, इस पर्सन को बुला के इसके मोबाइल से लैपटॉप से उस डाटा की जो वो डाटा जहां पे रिलाय करता है, जो डाटा अवेलेबल है उस डाटा को डिलीट करवाया जाए। आप एफआईए में, कोई भी पर्सन एफआईए में एप्लीकेशन दे सकता है। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया जी। अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, 15 मिनट हो चुके हैं, स्टार्ट किया हुआ, तो
तो मैं आज का जो मौजू है वो साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें लाइव नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप सर फखर के फेसबुक पे यहाँ पे आपका नंबर व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या हम किसी के व्हाट्सएप को पाकिस्तान में रहते हुए फोन नाफिज करने वाले इदारों से करवा सकते हैं? यानी अगर किसी का बिल फर्ज है तो सवाल इस तरह का है, हमने रिकवर वाली साइड पे जाना था जो कि एक हैक हो गया व्हाट्सएप, नोन नाफिज करने वाले इदारों से उसको रिकवर करना। अगर आपका सवाल यह है कि अगर आपकी एक पिक्चर किसी पर्सन ने, मिस्टर ए ने अपनी एक पिक्चर खुद ट्रांसफर कर दी या उसका मोबाइल हैक हो गया, वो मिस्टर बी के व्हाट्सएप पर चली गई, इसमें व्हाट्सएप से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट्सएप अगर किसी का हैक हो गया तो कानून नाफिज करने वाले रिकवर करवा सकते हैं? या अगर व्हाट्सएप का डाटा रिक्वायर्ड है किसी को, मतलब एफआईए कोई रिक्वायर्ड है, तो वो डिवाइस के बगैर उस डाटा से हासिल कर सकते हैं व्हाट्सएप डाटा? आप व्हाट्सएप के सीडीआर की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके अंदर ऐसा है कि अगर चूंकि एफआईए जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और ये हमारी एजेंसी जो है इंटरपोल के साथ पूरी दुनिया में जो है कोलैबोरेशन के साथ काम कर रही है, तो अभी तक जो है यहाँ तक एफआईए के जो इन्वेस्टिगेशन या एजेंसी रूल्स हैं वहां तक तो ये बात क्लियर है कि अगर एफआईए किसी इंटरनेशनल एप्लीकेशन के साथ एफआईए का लिंक है और आपने उनके साथ जो है कोलैबोरेशन की हुई है, तो अगर एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर डाटा मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हैं, लेकिन उस डाटे को वो पब्लिक नहीं कर सकते, उसको जो है वो पब्लिसाइज नहीं कर सकते, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो उसको देख सकते हैं और उसके बाद वो अपना एक चालान बना देंगे, बस इस हद तक फॉर अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए एफआईए उसके डेटा को मंगवा सकती है, लेकिन कोई किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकती मंगवा के। ये तरीकेकार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी का सोशल मीडिया है हो गया तो उसे क्या करना चाहिए? ये भी वही साइबर लॉ ने इसको एक्सप्लेन तो कर दिया है कि अगर कोई पर्सन जो है मिस्टर ए बी जो हैकर है वो किसी का फेसबुक अकाउंट उसने हैक कर लिया है, तो कोई भी ऐसा कंप्लेनेंट जो है एप्लीकेशन एफआईए के अंदर दे सकता है कि जी ये मेरी इन्वेस्टिगेशन, या मिसाल के तौर पर काफी सारे लोगों के, अभी हमारे पास एक केस था जो मंडी भाव दिन से था, तो वहां पे एक बुजुर्ग आदमी है, उनका मोबाइल, उनका कहना है कि जी मेरी मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन है, अब जिस तरह से आप फेसबुक के हैक की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के हैक की बात कर रहे हैं, तो जो आपके मोबाइल के अंदर मिजान बैंक की, यूबीएल बैंक की, एचबीएल की जो एप्लीकेशन है आपकी, ठीक है, वो भी हैक हो सकती है। एक हमारे जो है क्लाइंट है, तो उनकी मोबाइल की एप्लीकेशन जो बैंक की एप्लीकेशन थी वो हैक हो गई थी और उनके अकाउंट से राउंड अबाउट 90 लाख रुपीज जो है वो ट्रांसफर हो चुके थे। जब उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को दोबारा ओपन किया तो 90 लाख रुपए निकल चुका था बैंक अकाउंट से। अब वो 2018 के केस है, अभी तक उसमें एफआईआर नहीं हुई, तो वो केस किसी रेफरेंस से मेरे पास आया, तो उन्होंने कहा जी अब इसमें क्या हो सकता है कि जी एफआईए जो है अभी 4-5 साल हो गए हैं, जस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है। अब जहां पर हैकिंग के केस आ जाते हैं, हैकर्स को फाइंड करना, इसके लिए स्पेशल जो है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो एफआईए ने हायर किए हुए हैं, उनके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है 18 स्किल 17 स्किल में, प्रोग्रामर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये एक स्पेशलाइज्ड टीम जो है, स्पेशलाइज्ड विंग एफआईए के पास मौजूद है, जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हैकिंग को ट्रेस करते हैं, लेकिन इसके ट्रेसिंग में काफी सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है, 6 महीने साल 2 साल लग जाते हैं, लेकिन जो क्लाइंट है वो 10 दिन बाद ही तंग आ जाता है, जी मैंने एफआईए को एप्लीकेशन दी थी, मेरी एप्लीकेशन का तो हुआ ही कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए एफआईए जो है वो कोई किसी काम की नहीं है, वो काम नहीं कर रहे, वो काम करना नहीं चाहते। पाकिस्तानी आवाम को इसके ऊपर काफी सारी शिकायत हैं
और उसकी रीजन ये है कि जैसे ही वो देर लगती है, 3-4-6 महीने गुजरते हैं तो लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं जी ये हमारा काम नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन हैकिंग जो है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको फाइंड आउट करना, ट्रेस करना, फिर जहां जहां हैकिंग की गई है उसको, उस पर्सन को ट्रेस करना। अब इसमें काफी सारी मुश्किलात एजेंसियों को ये आ रही हैं कि हैकर्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हैं। मिसाल के तौर पर एक साउथ अफ्रीका का बंदा है वो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट को हैक कर रहा है, और जो अमेरिकन अकाउंट्स हैं उनको पाकिस्तानी बंदे यहां बैठ के हैक कर रहे हैं और डॉलर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब जब FIA देखती है कि साउथ अफ्रीका का जो पर्सन है वो हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, तो हम उसके ऊपर क्या कार्रवाई करें, हम उसके ऊपर कैसे उसको चलान करें, तो वहां पे एजेंसी बेबस हो जाती है। वहां पे कोई इंटरनेशनल लॉ डेवलप नहीं है उस कंट्री के साथ कि हम जो है उस तरह के जो मुजरिम है उनको भी वहां पकड़ें। तो इसके अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर टाइम लगता है। आपने साउथ अफ्रीका की एम्बेसी के साथ हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो एक फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करनी है, उसके तहत हमने एप्लीकेशन देनी है, फिर वो एप्लीकेशन साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के पास जानी है, फिर उन्होंने उसको अप्रूव करना है, उसको अप्रूव करके फिर उन्होंने अपनी एजेंसी को कहना है कि ये वाला पर्सन जो है इसको ट्रेस किया जाए। तो ये बहुत लेंथी और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और वहां पर जो है डिफरेंट कंट्रीज का भी स्टांस ये है कि हम अपने लोगों को मुलजम मुजरत साबित क्यों करें, इसलिए हम अपने पर्सन को किसी और कंट्री के हवाले साबित नहीं करते, और ना ही हम किसी किस्म का कोई डाटा देने के पाबंद हैं। तो जहां पर हैकर अगर आउट ऑफ कंट्री से है तो फिर आपकी कामयाबी के चांसेस 5-10% है। अगर वो पर्सन पाकिस्तान के अंदर है, अगर वो ट्रेस हो जाता है तो फिर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है फिर चांस है कि पर्सन पकड़ा जाएगा, और FIA अगर इसको ट्रेस करके अरेस्ट कर लेती है तो फिर तो वो जो डाटा है या जो भी एक्टिविटी की गई है उससे रिलेटेड रिकवरी करवाई जा सकती है, और अगर फॉरेन कंट्री से है तो फिर रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो गया। एक क्वेश्चन आया है जी जी, कॉर्ड कॉर्ड साहब है कोई who has file infected by ransomware हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड पाकिस्तान चूंकि जिस तरह से ट्रेंड्स चेंज हुए और हमारी नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान की है उन्होंने करोड़ों के हिसाब से अपना माइंड बना लिया कि हमें ऑनलाइन अर्निंग करनी चाहिए, ठीक है। और ऑनलाइन अर्निंग को अगर आगे बाइफर्केट किया जाए तो फिर वहां पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। अब स्पेशली जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये करंट इशू चल रहे हैं, हॉट टॉपिक्स है, और पूरी दुनिया में इसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहस हो रही है। ये एक बहुत बड़ा, इसको आप पॉलिटिकल मैटर भी समझ कह सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज ने सम टाइम ये डिसाइड किया कि हम डॉलर को जो है क्रॉस करने के लिए या डॉलर की वैल्यू को खत्म करने के लिए हम चंद कंट्रीज ने कहा कि हम अपनी करेंसी लेके आ जाते हैं और हम जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो हम अपनी करेंसी में करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट जो है ऑनलाइन डिजिटल करेंसीज मुतारफ करवाई गई पिछले 10 साल के अंदर, पिछले 20 साल के अंदर, और पूरी दुनिया में ये जो है मसाइल पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। अब क्रिप्टो करेंसी ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये एक बैन अलावामी मसला है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान के लॉ को देखें तो आपका स्टेट बैंक, आपकी फेडरल गवर्नमेंट, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, इन तीन इदारों ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रखा है कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की क्रिप्टो करेंसी जो है वो इलीगल है। इसके ऊपर उन्होंने अभी तक कोई लॉ भी नहीं बनाया। अगर कोई पर्सन, कोई इदारा इंडिविजुअली या कुछ लोगों का एक ग्रुप जो है, डिफरेंट कंपनियां पाकिस्तान में अगर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर रही हैं तो वो अपने बलबोते पे काम कर रहे हैं। जब उनका पैसा डूब जाता है कंज्यूमर्स का
या इन्वेस्टर्स का, तो वो गवर्नमेंट से किसी किस्म का रिलीफ नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी इसके ऊपर किसी किस्म का कोई लॉ डेवलप नहीं किया कि आप किसी की, क्योंकि लॉ तो तब डेवलप करेंगे जो जब वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे। अभी हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक 2023 तक क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया। जब हम क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे फिर हम इसके ऊपर लॉज बनाएंगे, फिर इसकी हम जो है लीगल पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे। अभी तक जितनी डिजिटल मार्केटिंग या जितनी क्रिप्टो करेंसी की एप्लीकेशन काम कर रही हैं, पाकिस्तान में करोड़ों के हिसाब से सार्फिन मौजूद हैं जो, या करोड़ों के हिसाब से इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं। अगर हिस्ट्री देखी जाए, पिछली सूरत हाल देखी जाए, करंट देखा जाए और फ्यूचर देखा जाए, तो पाकिस्तान के अंदर चाहे आप $10 इन्वेस्ट करें क्रिप्टो करेंसी में, चाहे आप $50 इन्वेस्ट करें, इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। अगर आपके $10 या $10 अरब कल को डूब जाते हैं, कंपनी भाग जाती है, जैसे कि डिफरेंट कंपनी भाग भी चुकी है, सबके सामने है, तो लॉ आपको फिर कुछ नहीं, पैसे वापस, आप पाकिस्तान के कानून से ये नहीं कह सकते कि मेरे पैसे रिकवर करवा दें, क्योंकि आपके स्टेट बैंक ने सर्कुलर वाजिया जारी किया हुआ है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो पायरामिड स्ट्रक्चर के ऊपर है, ऑनलाइन अर्निंग की एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में इलीगल है, उनके ऊपर जो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट है वो सेफ नहीं है। अब पाकिस्तान में लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो वो कर रहे हैं, अगर उनका पैसा डूब जाता है तो छोड़ जाते हैं, ठीक है। इसमें पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का कानून आपको किसी किस्म की हेल्प नहीं कर सकता अगर आपका पैसा डूब जाता है तो। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये अभी तक पाकिस्तान में चूंकि लीगल भी नहीं है, सेफ भी नहीं है, तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं कहूंगा कि आप रिस्क ना लें। बिल्कुल सही है सर, ये जो एप्लीकेशन है वो मेरे पास, शाह जी मेरे पास काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी ये स्टेटमेंट है, चूंकि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले लोग हैं ना जी, जो इनके फाउंडर्स हैं, या चंद बेरोजगार बैठ के एक हर दसवें दिन एक नई ऑनलाइन कंपनी लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। उस कंपनी को वो कहते हैं कि जी ये देखे जी हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमने इस कंपनी को FI अपना जो है, अपना स्टॉक जो है उससे रजिस्टर्ड भी करवा, SCPC, ठीक है, हमने इसको SCPC से, हाँ हमने इसको SCPC से रजिस्टर्ड करवा लिया है, और हम इसके ऊपर FBR को टैक्स दे रहे हैं, ये FBR का लेटर है, ठीक है। ये दो लेटर वो लोगों को दिखा के लोगों को गुमराह कर देते हैं, लोगों को बरगला लेते हैं और लोग उनके चंगल में फंस जाते हैं, ठीक है। अब मैं पाकिस्तान अवाम को बताना यह चाहता हूं कि अगर कोई कंपनी SCPC से रजिस्टर्ड है, ये FBR को टैक्स दे रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो कंपनी जो है आपके अगर पैसे डूब जाते हैं तो आप उससे रिकवर भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बरक्स अगर आप देखें तो आपके स्टेट बैंक ने एक वाजह सर्कुलर जारी किया हुआ है, एक डिसाइडेड लॉ मौजूद है कि किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है, जहां पे पायरामिड स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है, इस किस्म की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ नहीं है, ठीक है। अगर सेफ नहीं है तो फिर आप जो है, चाहे वो कंपनी SCPC के अंदर रजिस्टर्ड हो या SCPC के अंदर रजिस्टर्ड ना हो, वो मैटर नहीं करता, अगर आपकी पेमेंट डूब जाती है तो आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब जावा आई अरबों डॉलर लेके पाकिस्तानी लोगों के भाग गया, पाकिस्तान क्या करेंगे पाकिस्तानी, और कुछ भी नहीं हो सकता इसके ऊपर, कोई हमारे पास लॉ मौजूद नहीं है, हमने हमारी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है जी इन्वेस्टमेंट ही ना करें। हाँ अलबत्त ये हो सकता है कि इलीगल डॉलर जहां पे ट्रांजेक्शन हो सकती है इलीगल डॉलर की, तो वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व किया जा सकता है इस तरह के कल्प्रेट्स को, और FIA के अंदर कुछ FIA ने काफी सारे ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेट भी किए हैं, और इस किस्म के लोगों को उठाया जा रहा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करके कुछ ना कुछ रिकवरी करवाई जा रही है, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि ये पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग में, ये मनी लॉन्ड्रिंग में आता है, क्योंकि अगर कोई भी एक डॉलर भी अगर आप किसी भी ऐसे मीडियम से इस्तेमाल करते हैं जो स्टेट बैंक के साथ वो कंपनी, वो बैंक या वो एक्सचेंज रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आप ऑनलाइन डॉलर पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में आता है, ये एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो उस किस्म के जो FIRs हैं वो इन सब लोगों पे हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक कॉमन पर्सन की 10 लाख की अमाउंट की रिकवरी की बात करूं तो वो रिकवर नहीं हो सकती, ठीक है। वहां पे आपने खुद एक इलीगल एक्टिविटी की है, तो एक तो आपने खुद क्राइम किया और उस बंदे ने भी अफेंस किया कि आपको जानबूझ के उस नेटवर्क मार्केटिंग में फंसा दिया जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं थी, ठीक है। तो इस किस्म की जो अमाउंट है अगर वो डूब जाती तो उसको किसी भी तरह से रिकवर नहीं करवाया जा सकता।
कानून आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता सर। थोड़ा सा नेटवर्क ऑडियंस में ना लोग में आ जाते हैं, आप इसमें थोड़े से प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको सेल करना है, आपको स्टार्स मिलते जाएंगे, देखें जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक सर्कुलर है, एक नोटिफिकेशन है, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अगर आप भी गूगल के ऊपर सर्च करें, स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाएं, तो वहां पे एक सर्कुलर मौजूद है, उसको आप पढ़ सकते हैं। वहां पे वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं जो पिरामिड स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही हैं, दे आर नॉट रिलायबल, वो रिलायबल नहीं है, दे आर नॉट सेफ, दे आर इलीगल। ठीक है, तो अब नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या? ये कुछ लोग, 3 से 4 बेरोजगार लोग जो है शाहजी, या कुछ यूनिवर्सिटी से ऐसे लोग इकट्ठे फारिग होते हैं, फारिग उल तहसील होते हैं, जो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट का दौर है आजकल, हर बंदा जो है वो शॉर्टकट के चक्रों में है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैकर्स मिलके एक एप्लीकेशन मुतारफ करवाते हैं, उसके बाद लोगों का दिमाग खराब करते हैं कि जी आप इस कंपनी में जस्ट 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर दें, जस्ट 5,000 इन्वेस्ट कर दें, और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर आप आगे अपनी टीम बनाएं, ठीक है, आप अपने अंडर नीचे 10 बंदे अपने अंदर रखें, उनकी इन्वेस्टमेंट करवाएं, वो 10 बंदों का आप 10 बंदे और लेकर आए, नीचे एक नेटवर्क बनता जाता है, जिस तरह से पिरामिड एक बनता जाता है कि एक बंदे के ऊपर 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 16, और ये टीम सारी सेपरेट होती जाती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पाकिस्तानी कानून ने तो आपको पहले ही कह दिया है कि इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, इस किस्म की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें। आज पाकिस्तान में ये बी लव नेटवर्क, ये जावा, ये टाइम्स, ये फॉरएवर, ये फॉरसेज, और एक लंबी लिस्ट है शाहजी, 100 से ऊपर एक पूरी लिस्ट है जो सारी की सारी कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर काम कर रही हैं, और किसी कंपनी के अंदर जो अमाउंट है वो सेफ नहीं है। अगर कोई पर्सन मुझसे कहता है जी, मुझे बहस करता है, आपसे बहस करता है, किसी थर्ड पर्सन से बहस करता है जी, मेरी कंपनी SCCP से रजिस्टर्ड है, तो SCCP ने आपको ये तो नहीं कहा कि आप जो है वो जाके चूना बेचें या आपको जो मर्जी बेचें, SCCP ने तो जस्ट आपका एक नाम रजिस्टर्ड किया है ना जी। बिल्कुल SCCP ने आप तो ये थोड़ी कहा कि मैं जाके मेडिसिन बेचूंगा या मैं जाके शराब बेचूंगा, वो तो आप जस्ट आपका एक ट्रेड नेम रजिस्टर्ड हो गया, दैट्स एंड। अब उस ट्रेड नेम का आप लीगल यूज करें या इलीगल यूज करें, ये तो आपके ऊपर है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े मुतनल अंदाज में आज के क्वेश्चंस को कवर किया, हमारी ऑडियंस को बड़ा डिटेल में बताया लॉस के मुतलिक। तो अगर आपका साइबर लॉस के मुतलिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त से और ऑडियंस को डिटेल में जो है वो साइबर क्राइम के बताया। वो आज का कोई मैसेज सर है तो वो टाइम देने के बाद हम आपके साथ काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो शाह जी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं पाकिस्तान की आवाम के अंदर साइबर जो क्राइम्स है उनकी अवेयरनेस क्रिएट कर दूं, ताकि लोगों का फायदा हो जाए और लोग इस तरह की जो साइबर क्राइम्स हैं उनसे बच सकें, तो क्रेडिट गोज टू यू। और दूसरा, पाकिस्तानी अवाम को मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पेशली आज के दौर में ऑनलाइन अर्निंग के नाम से जितनी एप्लीकेशंस हैं वो सेफ नहीं है। कोई भी एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान, आपने ये नहीं देखना कि वो SCCP के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है, आपने ये देखना है कि स्टेट बैंक ने उसको अलाउ किया है या नहीं किया। तो स्टेट बैंक से आप इंक्वायरी कर लें तो उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आप ऑनलाइन अर्निंग में काफी सारे लोग डेली बेसिस पे एप्लीकेशन आती हैं, डेली बेसिस पे क्लाइंट्स रब्ता करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं। इवन कि अगर आप, अब कुछ लोग कहते हैं जी मेरा तो सिर्फ 5,000 के है,
ठीक है, तो इसमें मेरा तो सिर्फ 5,000 डूबा है, ठीक है। अब 5,000 करके पीछे 2,00,000 की टीम हो, वो जो है आगे अमाउंट जाके अरबों में बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी आप लॉस कर रहे हैं, कि पाकिस्तान में इकोनॉमी के अंदर जो डॉलर इन्फिल्ट्रेट हो रहा है उसका स्टेट बैंक के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर वो डॉलर जो है पाकिस्तान के खजाने में नहीं आ रहे तो हमारी इकोनॉमी का भी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी इलीगल एक्टिविटीज हैं, इनसे इज्तनाब करें। अगर किसी पर्सन को जो है कोई क्वेश्चन है, कोई उसका सोल्यूशन है, तो वो सैयद खुबैब शाह साहब से रब्ता कर सकता है, मेरे साथ रब्ता कर सकता है, तो हम जो है लोगों को गाइड करेंगे और किसी भी किस्म की उनकी जो कंफ्यूजन है उसको हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच, जी, अल्लाह हाफिज़।